वहीं रामबन में पिछले 3 दिन से चल रहे रेडक्रॉस मेले का समापन हो गया। बुधवार को इस मेले का समापन हुआ और इस समापन समारोह में विधायक रामबन नीलम कुमार लंगे के साथ साथ DDC रामबन भी मौजूद रहे और समापन समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दिया जाए, रेडक्रॉस मेले का आयोजन किया गया था जिसमें युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दी गई है, जागरूक किया गया और किस तरह से युवा स्वयं सेवी बने और किस तरह से उन लोगों को जागरूक किया जाए, जिसको लेकर ही इस मेले का आयोजन किया गया था और काफ़ी सफल इस मेले को माना जा सकता है। रामबन के लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ आसपास ओस पड़ोस में रहने वाले दिग्गर जो लोग हैं उनकी हम सेवा, उनकी खिदमत किस तरह कर सकते हैं। रेड क्रॉस दरअसल एक मूवमेंट का नाम है, एक तहरीक का नाम है जिसके तहत हम लोगों को ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है कि हमारे आसपास रहने वाले जो दिग्गर लोग हैं, कोई अंडरप्रिविलेज्ड है, कोई गरीब है, कोई डेस्टिट्यूट है, तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते। रामबन एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है और सेंट्रल प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर जो है रामबन है, 150 किलोमीटर जम्मू एंड 150 किलोमीटर जो है कश्मीर पड़ता है। यहाँ पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी ये चेहरे सामने हैं नंबर वन पे उधर होते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इन लोगों को, ये कभी ये चीज नहीं सोचते कि इतनी बड़ी खाई है वहां कैसे पहुंचना है, लेकिन ये सोचते हैं तो सोचते हैं कि इस बंदे को किस तरह उस खाई से निकाला जाए।